हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे सनस्क्रीन कैसे लगाना है, सनस्क्रीन लेते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, कैसे लगाना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी सनस्क्रीन में और कौन सी सनस्क्रीन कब लगाना है। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सनस्क्रीन जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपको देखना है कि उसमें SPF कितना है। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ये आपको UV रेस से बचाता है आपकी स्किन को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले UVA और UVB दोनों हो आपकी सनस्क्रीन में, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ उसमें SPF 40 है। अगर आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए 30-40 SPF सही है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस में, तो आपके लिए 30-40% SPF इज़ इनफ। जिसमें SPF 40 या 35 हो, 30 हो चलेगा आपको। UVA UVB ज़रूर होना चाहिए आपके सनस्क्रीन में। आपको घर से निकलने से 15 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगाना है ताकि वो आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है और कितना लगाना है। तो आपको जितना अमाउंट लेना है ये ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट आपके सिर्फ फेस के लिए, कितना अमाउंट आपके नेक के लिए, कितना आपके हाथ पैर, जितना भी एक्सपोज्ड एरिया है आपको उसमें सनस्क्रीन लगाना ही है। एक सिर्फ फेस के लिए सनस्क्रीन 1 टीस्पून होनी चाहिए। ऑलमोस्ट इतनी सिर्फ फेस के लिए ताकि पूरा स्किन पे कवर हो। तो मैं 2 फिंगर ले रही हूँ और अब मैं इसे डिवाइड करूँगी। आपका पूरा फेस कवर हो जाना चाहिए, एकदम वाइट, और इसे आपको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। आपको सिर्फ वाइप करना है, सिर्फ इसे फैलाना है। अब इसे इतना लगाकर आपको 15 मिनट्स छोड़ना है। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा इसे रहन देना है। ऑटोमेटिक ये 15 मिनट्स में अब्जॉर्ब हो जाएगी, एकदम इनविजिबल हो जाएगी। ये अच्छी सनस्क्रीन का साइन है। अगर वो 15 मिनट्स में डिसअपेयर हो जाती है इतना वाइट लगाने के बाद, तो ये आपकी स्किन के लिए सच में अच्छी है। और ये अंदर जाकर एक लेयर, प्रोटेक्शन लेयर बना रही है स्किन और यूवी रे के बीच में, जिसे कि आप से पिगमेंट से, सनबर्न से, ये सब से आपकी स्किन को बचाएगी। आप डार्क पिगमेंटेड हैं, आपको फ्रैकल्स हो गए हैं, सनबर्न हो गया है, तो बिल्कुल भी सनस्क्रीन स्किप ना करें। और आपके इस फेस का स्किन और बॉडी का स्किन कलर
वैरी कर रहा है, बहुत चेंज, ज़्यादा डार्क है आपका फेस एज़ कम्पेयर टू आपका बाकी की बॉडी का कलर, तो ये बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं सन पे अपनी बॉडी को, और सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं। आपको सनस्क्रीन बहुत हमेशा यूज़ करना है, हर 2 घंटे में आपको रीअप्लाई करना है। अगर अच्छा होगा अगर आप फेस वॉश करके लगाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्लीज़ आप हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाएं, ख्याल रखें अपना सन ब्लॉक का। और आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ सन ही बहुत है, सिर्फ सन में ही लगाना है, बहुत ज़्यादा ही धूप है तो ही सनस्क्रीन लगाना है, तो ऐसा नहीं है। आपको हर मौसम में सनस्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि सन यूवी रे एक्सपोज कर ही रहा है, आपकी स्किन यूवी रे के थ्रू एक्सपोज हो ही रही है। क्लाउडी डेज में भी सन रेज आ ही रही है, आपको सिर्फ दिख नहीं रही है धूप क्लाउड्स की वजह से, बट 80% यूवी रेज आपकी स्किन को क्लाउडी डेज में इफ़ेक्ट करते हैं। सनी हो, विंटर हो, रेनी हो, कोई भी सीज़न हो, आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं, आप हॉलीडेज पे जाते हैं, तो आपको SPF 50-70 यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप सारा दिन बाहर घूमते हैं, सारा दिन सन के अंडर रहते हैं, सारा दिन आपकी स्किन एक्सपोज होती है सन के थ्रू, तो आपको ज़्यादा SPF की ज़रूरत है। उस वक्त आपको 30-40 ये आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको 50-70 SPF वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो। और घर से निकलने से पहले आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप बिना सनस्क्रीन के ना निकलें। आपको पता नहीं चलेगा पर धीरे धीरे इतनी स्किन प्रॉब्लम्स आएगी, डार्क पिगमेंटेशन, पैची हो जाती है स्किन, कहीं कहीं पर बर्न हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। इसे आप अपना स्किन रूटीन का एक मेन एलिमेंट बना लीजिए। और सनस्क्रीन को सेट करने के लिए आप पाउडर कर सकते हैं ऊपर से, आपको रब नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है। मैं दिखाती हूँ कैसे। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले रहे हैं तो उसका जो स्पॉन्ज आता है आप उसी से कर सकते हैं, मैं यहाँ ब्रश से करने वाली हूँ। मैंने ये अपना मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है ये मेरा, उसका मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ब्रश में लिया और बस पैट किया। ध्यान रहे अगर आप रब करते हैं तो वो मूव हो जाएगा, तो आपको सिर्फ पाउडर प्रेस करना है। आपकी सनस्क्रीन सेट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सनस्क्रीन पूरी सेट कर ली है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही आप स्टेप आउट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, पर हाँ अगर आपको मेकअप करना है तो आप ध्यान रखें कि आप सनस्क्रीन को सेट होने का टाइम दें, उसके बाद ही आप अपना मेकअप एप्लीकेशन स्टार्ट करें। आप चाहें तो फाउंडेशन में जिसमें SPF ऑलरेडी होता है वो यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें बहुत कम होता है, किसी में 15 किसी में 25, तो वो उतना इनफ नहीं है। आपको कम से कम 30 SPF वाली सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए डेली। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे और भी टिप्स और इन्फॉर्मेशंस और अपना लर्निंग बढ़ाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।